नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को ट्वीट कर बधाई देते हुए लिखा, टीम इंडिया को बधाई, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और शानदार अंदाज में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। शानदार बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी ने हमारी टीम के लिए फाइनल मैच पक्का कर दिया, जिसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम को ट्वीट कर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की बधाई दी। सुल्तानपुर के बल्दीरा तहसील सभागार में चल रहे जमीन जायदाद के वाद निपटारे की अदालत में आज 50 वादों की सुनवाई हुई। इस दौरान एसडीएम विदुषी सिंह, तहसीलदार घनश्याम भारती, ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार सिंह और आचार्य सूरभान पांडे मौजूद रहे। सुल्तानपुर में सीताकुंड घाट पर मौजूद चित्रगुप्त धाम में सामूहिक कलम पूजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ के कान्हा स्टेडियम का निर्माण करने वाले मशहूर उद्योगपति सुधांशु श्रीवास्तव, एसडीएम कादीपुर महेंद्र श्रीवास्तव के साथ प्रतापगढ़ सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलील श्रीवास्तव मौजूद रहे। अमेठी में जायज के राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान में कल होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हुई। राजीव गांधी पेट्रोलियम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कल समारोह में डिग्रियां बांटी जाएंगी। अमेठी के गौरीगंज मुख्यालय पर यातायात जागरूकता अभियान चलाते हुए पुलिस अधीक्षक इलामारन ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। अमेठी के बाजार सुकुल ब्लॉक सभागार में किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन है। इस दौरान उप कृषि निदेशक डॉक्टर लाल बहादुर यादव ने किसानों की समस्याओं को सुना। अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीतपुर में होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड विषय पर आशा संगनी और एएनएम का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और साथ ही सीएससी अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने सभी को कार्यक्रम के प्रति जागरूक किया। बहराइच में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने जनता दर्शन में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और साथ ही उनके निस्तारण के लिए मातहतों को आदेश दिए। बहराइच में जिलाधिकारी मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा और अन्य अधिकारियों ने प्रगतिशील गन्ना कृषकों के साथ चीनी मिल परसंडी के डोंगा में गन्ना डालकर पेराई सत्र 2023-2024 का शुभारंभ किया। लखीमपुर खीरी में एसपी गणेश प्रसाद शाह ने आगामी त्यौहार छठ पूजा के तहत सेठ घाट में मौजूद छठ पूजा स्थल का निरीक्षण किया। वहीं छठ पूजा स्थल पर 24 घंटे के लिए अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया। रामपुर में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से मिलकर प्रार्थना पत्र सौंपा। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी, सपा नगर अध्यक्ष आसिम रजा, शाहबाद के पूर्व विधायक विजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रामपुर में एसपी राजेश द्विवेदी ने 6 निरीक्षक और 6 उप निरीक्षक का ट्रांसफर किया। गजेंद्र त्यागी का कोतवाली से विशेष पैरवी सेल में ट्रांसफर करते हुए अनुपम शर्मा को मिलक का नया कोतवाल बनाया। बागपत के डोला गांव के सविलियंस विद्यालय में तैनात 8 अध्यापक दीपावली की छुट्टी मनाकर स्कूल नहीं लौटने पर कलेक्ट्रेट ने बच्चों के साथ क्लास लगाकर गायब टीचर को नोटिस जारी कर वेतन रोकने का निर्देश दिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।